दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं होंडा की ओरिजिनल इसकी एसीजी स्टार्टर यानी कि कॉइल प्लेट हमारे हाथ में है और इसे हम ओपन करने वाले हैं। आपको पहले इसका डिब्बा दिखा देते हैं, इसकी एमआरपी दिखा देते हैं। 4,360 रुपये की इसकी कॉस्ट है, ऑन एमआरपी ये हमें मिली है, इसलिए हम इसमें इसको फिट करेंगे। अब इसके अंदर पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, किस तरीके की इसके अंदर नई जो कॉइल प्लेट है किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ओरिजिनल प्योर जेन्युइन कंपनी की होंडा की इसमें कॉइल प्लेट इस तरीके की हमें देखने को मिल रही है। ये सेंसर इसमें लगा हुआ है, होल सेंसर, ये पूरी केबल, इसकी रबड़ निकालते हैं। ये इस तरीके की, चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। इसे हमें पहले इस तरीके से अंदर से लेना होगा। तो दोस्तों हमने फाइनली इसकी कॉइल प्लेट लगा दी है, तीनों एल एन की के बोल्ट हमने प्रॉपर टाइट कर दिए हैं। यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, इसका जो ये क्रैंक पोजीशन सेंसर जो लगा हुआ है वो भी हमने एल एन की के बोल्ट से टाइट कर दिया है। यहाँ पर एक पत्ती इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, दो बोल्टों पर हमने टाइट कर दिया है। बाकी ये इस तरीके से कुछ फंसेगी, आप देख पा रहे हैं इसकी जो मेन वायर है मोटी वाली वो ऊपर की तरफ लगेगी और जो इसके होल सेंसर के जो वायर हैं पतली वाली लीड तो वो इस तरीके से लगेगी, जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको नक्का फंसाना है, इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ लेकर आओ, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों केबल आ रही है इस तरीके से अंदर से, अंदर की तरफ से ये ऐसे होते हुए यहाँ पर नक्का लगाना है। ये आप देख पा रहे हो हमने ऑलरेडी यहाँ पर नक्का फिट कर दिया है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से उस तरफ। ये इसका सॉकेट है दोस्तों, ये इस तरीके से इसका सॉकेट फिट हो चुका है। बाकी हम इसको भी लगाने वाले हैं इस तरीके से यहाँ पर। ये तो दोस्तों ये जो वाला सॉकेट है वो यहाँ पर फंसेगा इस जगह, ये आप देख पा रहे हैं इसमें ऑलरेडी फंस चुका है, इसको हम इसमें फंसाएंगे, ये इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कनेक्ट हो चुका है। और ये जो इसका खांचा है वो हम इसमें बिठा देंगे इस तरीके से, दिखाओ ये। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया किस तरीके से इसकी कॉइल प्लेट को कसा जाएगा नई को। चलिए अब इसका मैग्नेट लगाते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी कॉइल प्लेट को प्रॉपर कस लिया है, अब इसका मैग्नेट लगाने वाले हैं। मैग्नेट लगाते वक्त ध्यान दें इसकी जो चाबी का खांचा है वो प्रॉपर इसकी चाबी पर बैठना चाहिए, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हम प्रॉपर आपको बिठा के दिखा रहे हैं। ये खांचा आप देख पा रहे हैं इस तरीके से प्रॉपर दिखाना है ये। तो दोस्तों इसमें मैग्नेट प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है, अब हम इसमें बोल्ट कसेंगे। तो दोस्तों ये वाशर है इसका, इस तरीके का वाशर हमें इसके अंदर लगाना है, उसके बाद ये 17 नंबर का इसके अंदर बोल्ट दिया हुआ है ये। उसके बाद दोस्तों हम इंपैक्ट मशीन के द्वारा इसको कसेंगे प्रॉपर तरीके से, ये आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रॉपर फुल टाइट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इसका फ़ैन लगाने वाले हैं जो कि कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके फ़ैन सादा फ़ैन की तरह नहीं है, इसमें कुछ यूनिक दिया गया है, ये ऐसा नहीं लगता है। इसमें एक पहले तो ये प्लास्टिक की भोगली आपको देखने को मिल रही है एक तरीके की, ये इसके मोटे खांचे में यहाँ पर फंसेगा। ये दो छोटे खांचे आप देख पा रहे हैं होल, ये मोटा खांचा यहाँ पर फंसेगा क्योंकि इसमें टाइमिंग दे रखी है प्रॉपर तरीके से, इस तरीके की कुछ दिख रही है, इसमें टाइमिंग का निशान है, हमें इसको ध्यान में रखते हुए इसको लगाना है। ये कहीं भी नहीं कसेगा, ये सीधे बिल्कुल सेटिंग पे आकर के कसेगा टॉप पर, ये इसका खांचा इसमें लगाएंगे ये आप देख पा रहे हैं बैठ गया है। अगर हम इसको और कहीं बिठाएंगे तो ये बैठेगा नहीं किसी भी जगह पर, ये अपनी जगह प्रॉपर जा करके लग जाता है इस तरीके से। अब हम इसमें तीन बोल्ट लगाने वाले हैं। तीनों फैन के बोल्ट कस दिए हैं, अब हम इसके कवर को लगाएंगे। तो दोस्तों ये इसका फैन कवर है, कुछ इस तरीके का हमें देखने को इसमें मिल रहा है, इसको हमें लगाना है बड़े सटीक तरीके से, इसे हम लगाएंगे। ये प्लास्टिक की भोगली इसमें लगेगी यहाँ ये, तो आप देख पा रहे हैं प्रॉपर इस पर बैठ चुका है ये, अब हम इसमें बोल्ट कसेंगे। अब यहाँ अंधेरा हो गया, इसको ऊपर
तो दोस्तों हमने फाइनली इसके अंदर मैग्नेट कॉइल कस दी है, पूरा कवर लगा दिया है, प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया है किस तरीके से इसमें मैग्नेट कॉइल को फिट किया जाता है BS6 एक्टिवा 6G के अंदर। तो चलिए अब इसको फाइनली स्टार्ट करेंगे और इसको रीसेट करेंगे और इसकी जो कोड इसमें एरर कोड आया है उसको चेक करेंगे, दोबारा तो नहीं आ रहा है। तो उससे पहले हम इसको कस लेते हैं बोनट को। तो दोस्तों फाइनली हमने इसके अंदर कॉइल पेड कस दिया, अब हम इसको इससे रीसेट करेंगे, इसका जो इसमें कोड आ रहे थे उसको रीसेट करने वाले हैं इस मशीन से। तो चलिए सबसे पहले चाबी ऑन कर लेते हैं। इसमें मेल लाइट जल चुकी है और ऑटोमेटिक चली भी गई है और आप इसमें देख पा रहे होंगे इसके अंदर डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है। डायग्नोस्टिक सिस्टम पर हमने इसको सेट किया हुआ है, इसको ओके करेंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा क्योंकि ECU से कनेक्ट होने के लिए इसको थोड़ा समय चाहिए होता है। ये ECU से इस समय कनेक्ट हो रहा है जो कि ओके लिख के आ चुका है, यानी कि ये कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो गया है इसके अंदर। DTC इन दिस ECU आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर 3 कोड अभी ऑलरेडी दिखा रहा है। हम इसको रीसेट करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रीड कोड्स, नीचे लिखा हुआ है एरर कोड, तो हम एरर कोड पर जाएंगे, ओके करेंगे। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ क्लीन रीसेट एमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन आर यू श्योर, यानी कि आपको ये जो ECU है इसका डेटा जो इसमें अपडेट हो गया, मतलब इसका जो मिस डाटा जो हो गया है उसको आप रीसेट करने वाले हैं, क्या आप वाकई में इसको रीसेट कर रहे हैं ये बोल रहा है। तो चलिए इसको रीसेट करते हैं, हम करना चाहते हैं इसको। इस पर दोबारा लिखा आ रहा है प्लीज़ टर्न इग्निशन ऑन विद इंजन ऑफ, यानी कि आपको चाबी ऑन रखनी है दोस्तों लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं रखना है जब भी आप किसी भी ECU को होंडा को रीसेट करते हैं। तो चलिए हमने इसको ऑफ रखा हुआ इंजन को लेकिन चाबी ऑन है, प्रोसेस ले रहा है, यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहा है एमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन क्लियर, यानी कि इसके अंदर जो भी कोड थे वो क्लियर हो चुके हैं, इसके अंदर अब कोई भी कोड एरर कोड देखने को नहीं मिलेगा। इसको ओके करते हैं। हम दोबारा जो है कंफर्म करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके दिखाएंगे, इसको दोबारा से रीड कोड पर जाएंगे, फिर से चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है द व्हीकल हैज़ नो फॉल्ट कोड, यानी कि ऑलरेडी ECU क्लियर हो चुका है, इसके अंदर कोई भी फॉल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके भी देखते हैं। चालू कर दिया, देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसके अंदर एरर कोड ऑलरेडी रीसेट हो चुका है। इसी तरीके से हमने आपको बताया किस तरीके से कॉल प्लेट को चेंज करना है, किस तरीके से इसका सही प्रोसेस है और क्यों इसके अंदर एरर कोड आता है। ये ज़्यादातर हमें एरर कोड देखने को मिलता है कि गाड़ी कहीं भी रास्ते में बंद हो जाती है और उसके अंदर मेल लाइट लगातार जलती रहती है, उसका यही सॉल्यूशन है इसके अंदर, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो मैकेनिक भाइयों अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली हो या कोई भी कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, सुभ्रत।